हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ प्रेरणा मिश्रा फ्रॉम वत्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंग्लिश. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस वीडियो. सो सॉरी, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर ऑफ बिहार बोर्ड 12th क्लास एंड द चैप्टर इज It is second chapter of Bihar Board 12th class, that is Bharat is my home. It is written by Zakir Hussain. At first we will discuss about the author who has written this, and this is Zakir Hussain. Dr. Zakir Hussain, he was born in 1897 in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. Dr. Zakir Hussain jo hai unka janm 1897 isvi mein hua aur wo Hyderabad mein hi hua aur wo बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स यानी कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे. और वो ही नहीं थे, वो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे. डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967. डॉक्टर हुसैन जो है वो 1967 ईस्वी में वो भारत के राष्ट्रपति बने. अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार. इससे पहले उन्होंने बिहार में गवर्नर के रूप में काम किया. भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट. ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत इज माय होम, ये है उनके स्पीच का ही एक एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है जो कि उन्होंने जब वो ओथ ले रहे थे एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में 1967 ईस्वी में जब वो ओथ ले रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा था, दिया था. इन हिज फर्स्ट स्पीच एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपने पहले स्पीच में जब वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति जब वो बने, अपने पहले ही स्पीच में उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लोकेलिटी ऑफ टू द सर्विस ऑफ द टोटैलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर. कि जब वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिए और उन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया तो वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर वो जो है उनका जो सेवा रहेगा एज ए राष्ट्रपति के रूप में, तो वो भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए उनका पूरा कोशिश उस पर रहेगा. ओके, यहाँ मैं आपको एक एक लाइन को हिंदी में बतलाऊँगी क्योंकि अब बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम भी है और आप लोग इसे ध्यान से कोशिश करेंगे टाइम निकाल के पढ़ने का. भारत इज माय होम, ये कहते हैं कि भारत जो है वो मेरा घर है. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेलम्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड. वो कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि आई एम ओवरवेलम्ड. ओवरवेलम्ड मीन्स किसी चीज़ से अभिभूत होना. वो इतने अभिभूत हैं, वो ये देख कर के अभिभूत हैं कि यहाँ की जनता ने, भारत की जनता ने उनके अंदर उनमें विश्वास को जगाया और उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप में स्थान दिया. ये जो हाईएस्ट भूमि जो है, ये बहुत बड़ी जो ये भूमि है हमारी, यहाँ उन्होंने मुझे लाया
इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिभूत हूँ मैं यह सब जानकर। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट। अब ये कहते हैं राधाकृष्णन, जो इनसे पहले जो राधाकृष्णन ही थे राष्ट्रपति, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन बाउ टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या किया, तो एक मेंटल यानी कि मानसिक रूप से जो एक मानसिक जो उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है, साधन, उन्होंने प्रेसिडेंसी के लिए एक नया जो उपकरण का काम किया, ए डिग्री ऑफ एरुडिशन। डिग्री ऑफ एरुडिशन मीन्स ज्ञान, विद्वता एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का जो धन, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, ऐसा कहीं भी नहीं पाया जा सकता है। जो विद्वता, जो मेंटल इक्विपमेंट और जो एक्सपीरियंस, जो धन का जो एक्सपीरियंस अनुभव उन्होंने दिखलाया, वो कहीं भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये प्रेसिडेंसी में जब वो आए, यानी कि प्रेसिडेंटशिप में जब वो आए, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये कहते हैं कि ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में उन्होंने क्या किया, तो अपने आप को डिवोट कर दिया टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान और सत्य के लिए उन्होंने अपने आप को डिवोट किया। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट, उन्होंने जितना कोई भी नहीं कर सकता है उससे ज़्यादा वो किए इस क्षेत्र में उनका वर्क रहा। एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थाउट, और उन्होंने क्या किया, तो भारत के दार्शनिक विचारों को एक्सप्लेन किया, उसका व्याख्या किया, उसका व्याख्यान दिया। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और भारत की जो आध्यात्मिक जो मूल्य है उसको उन्होंने एक किया। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी नहीं खोया, अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया, जो किसमें, तो इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की जो मानवीयता होती है एक मनुष्य में, उसको इन्होंने कभी भी ये खोने के लिए नहीं बोलते हैं। एंड ही हिमसेल्फ, और वो भी, हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ, और उन्होंने भी कभी उस पर कोई अधिकार नहीं जमाया। जितना भी आदमी का जो, मनुष्य का जो एक अधिकार होता है, उस पर उन्होंने कभी भी एक अधिकार नहीं जमाया। टू लिव इन डिग्निटी, वो कहते हैं कि लोगों को, जो मनुष्य है उसको गरिमामय जीवन जीना चाहिए और न्यायपूर्ण जीवन जीना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये कहते हैं जब इन्होंने इंटर किया और ऑफिस में, और ये कहते हैं कि मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस ऑफिस में जो मैं, इस कार्यालय में जो मैं आया हूँ, ये वो जो इंट्री लिए, वो बिल्कुल उनका प्रेयरफुल थे, वो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी थे, था उनमें, एंड टोटल डेडिकेशन, और फुल्ली वो डेडिकेट थे, खुद को डेडिकेट किए हुए थे। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने ओथ लिया है, शपथ ली है, किसकी, तो लॉयल्टी यानी कि निष्ठावान, निष्ठा से उन्होंने शपथ लिया है, किसका, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के लिए उन्होंने का शपथ लिया है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपेरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव।
यह संविधान क्या है? तो यह इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपरेटिवली न्यू स्टेट, ये एक नया प्रांत का, नया स्टेट, नया राज्य का एक संविधान है, विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जो कि जो इनके फ्री, जो जितने भी नागरिक हैं, जो आज़ाद जो नागरिक हैं, वही इनके सिटीजन्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, जो इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जितने भी हमारे जो नागरिक हैं वही हैं, वही कंपरेटिवली एज ए न्यू स्टेट के रूप में, वही एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार, गिवन टू देमसेल्व्स, जैसा जो कि इन्होंने खुद को दिया। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिकुलियर वे। ये कहते हैं कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, यह क्या है, ये नया है, ये नया स्टेट है, पुराने लोगों का, प्राचीन लोगों का ये नया स्टेट है। थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, बहुत लंबे टाइम, समय के बाद, एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, और जितने भी डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैं उनके ही कॉपरेशन से ऐसा संभव हो पाया है। हैव स्ट्राइव टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इन देयर ओन पिकुलियर वे। वो कहते हैं कि वो ये सब जो ये हमारी हमारा जो देश है वो जो आज़ाद हुआ है उनको जो ये सब किनके कॉपरेशन से हुआ है, ये सारे हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हीं के कॉपरेशन से ये हुआ है। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, और मैं खुद को भी, मैं खुद से प्लेस करता हूँ कि मैं इन सारे वैल्यूज़ का सर्विस करूँगा, सेवा करूँगा। फॉर दाओ शम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस, द वैल्यू रिमेंस इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि हमें इन, हम जो ये रियलाइज करते हैं, ये जो कंक्रीट, ये छोटी छोटी जो वैल्यू है हमारी लाइफ की, उसको हमको कभी भी, ये जो बदलती हुई सरकमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, इनको कभी भी हमें क्या करना है, उनको कभी भी हमें भूलना नहीं है। विद द चेंज ऑफ सरकमस्टांसेस, जितनी भी बदलती हुई परिस्थितियां हैं, द वैल्यू रिमेंस इटर्नली वैलिड, कोई जो मूल्य है वो हमेशा क्या होता है, शाश्वत रहता है, वैलिड रहता है। एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और हमें, हमारे ऊपर दबाव डालता है नया उसको बदलने का। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टेटिक, और पास्ट जो है हमारा वो ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही स्टेटिक है, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, ये अभी भी क्या है, प्रेजेंट है और वर्तमान में है। एंड इज़ इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और वो हमें डिटरमाइन कर रहा है कि हम अपने प्रेजेंट के क्वालिटी को देखें एंड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हम अपने भविष्य को बनाएं। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रेन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। ये जो द प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो है, ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रेन्यूअल, ये नवीनीकरण का जो ये प्रक्रिया है, इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, और जो ये, और उसके साथ ही जो प्रोसेस है राष्ट्रीय कल्चर का, संस्कृति का, और राष्ट्रीय जो चरित्र है उसके निर्माण का जो ये प्रोसेस है, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट।
टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल. इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन. यह क्या है? शिक्षा का बिजनेस है. एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ. टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल. ये नया जो नवीनीकरण है उसे उस इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं इसे देखता हूँ. एज आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल. इन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और ये कहते हैं कि शिक्षा जो है यहाँ. एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन होता है जो हमारी जो धारणा है, परिकल्पना जो होती है, कोई भी किसी भी काम की जो संभावना होती है उसे बोलते हैं. तो इसलिए इन्होंने ये कहते हैं कि एज आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली. कि मेरा जो ये चॉइस है, मैं जो यहाँ इस ऑफिस में आया हूँ मेनली, इफ़ नॉट इंटायरली पूरी तरह से नहीं, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपुल. कि मैं जो ये बड़े बड़े लोगों के साथ रहा, बड़े बड़े शिक्षाविद लोगों के साथ रहा, उसके कारण ही मैं यहाँ आ पाया हूँ. आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस. ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो क्या है? प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल, किसी भी राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा जो है वो उसका पहला स्थान है. एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन. और ये जो क्वालिटी है, ये जो शिक्षा का जो ये गुणवत्ता है, वो इनएस्केपेबली, ये जो है वो ज़रूर होना चाहिए, एस्केपेबल होना चाहिए, इन्वॉल्व्ड ये इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन. नेशन के, राष्ट्र के गुणों को विकसित करने में इसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. आई देयरफॉर प्लेस माइसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सोइवर इट. ये कहते हैं कि मैं प्लेस करता हूँ अपने आप से टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर. हमारा जो बीता हुआ जो ये हमारा जो प्राचीन कल्चर जो है, संस्कृति जो है, उसके प्रति मैं निष्ठावान हूँ. फ्रॉम वेयर सो एवर इट मे हैव कम एंड बाय होम सो एवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड. इसे कहीं से भी अगर लाया जाए और ये कहीं भी अगर इसका किसी के द्वारा भी इसको कंट्रीब्यूट किया जाए तो मैं उसके साथ हूँ. आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटैलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर. कहते हैं कि मेरा जो सर्विस है, मेरा जो सेवा है, वो देश के संस्कृति के लिए पूरी तरह से समर्पित है. आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री. कि इनका जो श्रद्धा है, इनकी जो निष्ठा है, वो मेरे देश के लिए है. इस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. कि जो भी धर्म और भाषा है उन सभी के लिए. आई प्लेस माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड. कितना अच्छा इन्होंने, कितना अच्छा कहा है. ये कहते हैं कि मेरा जो समर्पण है, मैं जो शपथ ले रहा हूँ, वो अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए, उसको मैं मजबूत रखूँगा फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल और इसके यहाँ की जनता के कल्याण के लिए. विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड. बिना जाति, रंग और पंथ में किसी भी तरह का जो भेदभाव होता है उसको हटाए बिना, उसको रखे बिना मैं इसका प्रोग्रेस करूँगा. द होल ऑफ भारत इज़ माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली. कि पूरा जो ये भारत है, ये मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरा परिवार है.
द पीपुल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, कि लोगों ने, जनता ने मुझे पसंद किया है, मुझे चुनाव किया है, मेरा चुनाव किया है और इस परिवार का कुछ समय के लिए इस फैमिली का हेड बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपुल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पिरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। कहते हैं कि लोगों ने जो मुझे चुना है, एक निश्चित समय के लिए जो लोगों ने मुझे चुना है और इस परिवार का जो मुझे हेड बनाया है उसके लिए, इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर। ये मेरा क्या है? अर्नेस्ट इंडेवर है, ये मेरा कठोर परिश्रम है, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, कि इस परिवार के, इस घर को मैं मजबूत बनाऊं और सुंदर बनाऊं, ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपुल, बड़े लोगों के लिए एक विशाल घर बनाऊं। घर का मतलब ये है कि पूरे देश को वो सुखी और संपन्न बनाए, शिक्षा से प्रोन्नत करे, यही उनका है उद्देश्य कहने का। और कहते हैं कि फॉर ए ग्रेट पीपुल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रॉस्पिरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, और सभी के लिए जो जितने भी निवासी हैं यहाँ के, जितने भी लोग हैं, जितनी जनता है, उन सभी के लिए वो प्रॉस्पिरस और ग्रेसफुल लाइफ का कल्पना करते हैं, उसको बनाने का वो दिलासा देते हैं, वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मैं अपने जितनी भी मेरी जनता है, मैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, कठोर परिश्रम करूँगा और अच्छा शासन दे पाऊँगा। द फैमिली इज़ बिग एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, कि फैमिली जो है, निश्चित ही फैमिली जो है बड़ा है और एंड इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और बढ़ रहा है एट ए रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, बहुत तेज गति से ये बढ़ रहा है। वी शैल, ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन हिज ओन वे। कहते हैं ये कि हम सभी को बिना किसी भेदभाव के इस बिल्डिंग को बनाने में, न्यू लाइफ को बनाने में हम सबको एक होना चाहिए, अपने अनुसार जो है इसे हमें बनाना चाहिए। फॉर सीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री। ये कहते हैं आगे कि फॉर सीयर साइज, कि सिर्फ हम लोगों को जो है वो, फॉर सीयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हम लोगों के पास जो ये इतना बड़ा टास्क है, ठीक है, आर सो डिमांडिंग, ये इतना चैलेंजेबल है ये, दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, कि कोई भी, किसी को भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो सिर्फ बैठे रहेगा और देखते रहेगा, और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, और हमारे देश में जो ये फ्रस्ट्रेशन है और वो बहुत बड़ा एंडेमिक रूप ले लेगा। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क। हमारा जो ये सिचुएशन है हमारे देश का, चूँकि आज़ादी के जस्ट बाद ही हुआ था, तीसरे ये बने थे राष्ट्रपति, तो हमारे देश की जो स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशन तो वो बेहतर नहीं था, और अभी भी हम प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं, तो वही ये कहते हैं कि द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, जो परिस्थिति है वो हमसे क्या डिमांड कर रही है, तो काम का, वर्क एंड मोर वर्क, काम और काम, सिर्फ काम, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, धीमी गति से लेकिन अच्छा वर्क होना चाहिए, सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, कि
सॉलिड और मतलब धीमा हो लेकिन अच्छा हो, सॉलिड हो, पक्का हो. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे जो हमारी जो जनता है उनका जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, पुनः बनावट जो होगा वो क्या होगा, वो सुंदर होगा, सॉलिड होना चाहिए, स्टडी हो लेकिन सॉलिड हो, यानी कि धीमा हो लेकिन पक्का हो, अच्छा होना चाहिए. दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स. इस काम में जैसा कि मैं देखता हूँ, इसके दो भाग हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी. कि वर्क ऑन वन सेल्फ, खुद के लिए, खुद से काम करें और लोगों के लिए भी काम करें, फॉर द सोसाइटी अराउंड, जो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, सोसाइटी है, समाज है, उनके लिए भी काम करें. दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क. वास्तव में वो क्या है, तो फ्रूटफुल, फलदाई है वो जो एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क है वो क्या है, फलदाई है. द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल. कहता है कि द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज, कि हम जो खुद से अपने आप से जो काम करें वो इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट. ये क्या है, तो हमारी नैतिक जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, उसको उसके तरफ ये जाता है. एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और स्व जो हमारा जो स्व अनुशासित है वर्क, उसमें विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जो कि इसी से क्या हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट संभव हो सकता है. इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल. इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मॉरल पर्सनालिटी. इससे क्या होगा, हमारा जो पर्सनालिटी होगा वो क्या होगा, मॉरल, हमारा जो मॉरल पर्सनालिटी होगा वो नैतिकता से भरा हुआ होगा, पूर्ण होगा. वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल. कि हम लोग जो ये हमारा जो इंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो खतरा है हमारे लिए. दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इट्सेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट्सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट. ये जो इन प्रोडक्ट है वो नहीं हट सकता है, इसको हमको अपने एक्सरसाइजिंग के द्वारा ही और इसको हम हटा सकते हैं. एक्सरसाइजिंग इट्सेल्फ टू ब्रिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व ए बेटर, ए जस्टर एंड ए मॉरल ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ. कहते हैं कि ये जो है, ये हम हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को एक लगभग एक अच्छा बना सकता है, एक जस्टर, एक मजाकिया, एक सुंदर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ जो है वो दे सकता है. द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस. ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी इंडिविजुअल जो है, वो कैन नॉट ग्रो, वो फुली जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है इन फुल परफेक्शन, पूरी तरह से कोई भी अच्छाई नहीं ले सकता है विदाउट ए कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस. हमारा जो सोशल जो एग्जिस्टेंस है, सामाजिक जो हमारी जो स्थिति है, उसको हम, उससे हट के हम अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं. लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल. कहते हैं कि लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, कि आइए हम सभी इंगेज्ड होते हैं इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क में, जो कि एक क्या है, एक इंडिविजुअल है, यानी कि एक पर्सनल है, और दूसरा क्या है, सोशल है.
दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर. ये जो दो तरह का जो ये वर्क है हमारे लाइफ का, वो क्या करेगा, लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, एक हमारे लाइफ में एक स्पेशल फ्लेवर देगा. ओके, फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मॉरल ऑर्गेनाइजेशन. कि यह सिर्फ शक्ति का ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, शक्ति संगठन का ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो ये, बट ये मॉरली भी ऑर्गेनाइज हो, नैतिक रूप से भी ये ऑर्गेनाइज हो. इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिब्रेशन मूवमेंट. कहते हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, कि ये भाग है किसका, तो राष्ट्रीय टेम्परामेंट का एंड इनहेरिटेंस का, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिब्रेशन मूवमेंट. उस समय की जो हमारी जो आज़ादी के समय के जो जितने भी ग्रेट लीडर थे उनके लिब्रेशन का ही ये एक पार्ट है. महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस. कि उन्होंने जो ये पावर जो यूज़ किया था वो किसके लिए, सिर्फ मॉरल पर्पस को पूरा करने के लिए. द पीस ऑफ द स्ट्रांग इज़ व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर. ये क्या है, द पीस ऑफ द स्ट्रांग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर. ये कहते हैं कि हमारा जो ये डेडिकेशन होना चाहिए वर्क का, वो क्या होना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए. आई हैव फुल फैथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क. ये कहते हैं फर्दर, आई हैव फुल फैथ, कि मुझे यहाँ के लोगों में पूरा विश्वास है कि वो लोग पूरे रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि उनकी जो अपेक्षा है, उनकी जो आवश्यकता है, उसके लिए वो फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, पूरा सेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्मेंस है वो देंगे. इट्स शैल बी माय प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माय शेयर टू दिस इंचांटिंग एंटरप्राइज. कहते हैं कि हमारा, मेरी जो ये योजना है, नई योजना है, इसमें सभी जो है कंट्रीब्यूट करेंगे टू शेयर टू दिस इंचांटिंग एंटरप्राइज, इसको मोहक और आकर्षक बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बतलाई हूँ, और जितने भी हैं जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव में आएंगे और ये पूछे जाएंगे आपको. आशा करती हूँ मैं आपको अच्छा लगेगा. आप इसे पढ़िए ध्यान से और एक एक वर्ड को देखिए. ओके, अब मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी. थैंक्स.